सभी मित्रों को नमस्कार। लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश का यह पत्र है। भोपाल दिनांक 15 मार्च 2021। समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त मध्य प्रदेश। विषय है लैंगिक शोषण की रोकथाम एवं पॉक्सो अधिनियम के संबंध में जागरूकता के हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण में शिक्षकों की सहभागिता के संबंध में। संदर्भ संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग का पत्र क्रमांक 1450 दिनांक 4 मार्च 2021। उपरोक्त विषय अंतर्गत राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं नियम 2020 के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में लैंगिक शोषण की रोकथाम एवं पॉक्सो अधिनियम के संबंध में जागरूकता के उद्देश्य से शिक्षा विभाग में कार्यरत संकुल प्राचार्य शिक्षकों के उन्मुखीकरण हेतु यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा ऑनलाइन प्रशिक्षण स्ट्रीमयार्ड के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 17 मार्च, 19 मार्च एवं 20 मार्च 2021, समय है दोपहर 4 बजे से 6 बजे तक आयोजित किया जाएगा। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यक्रम अंतर्गत प्रदेश के समस्त संकुल केंद्रों पर कक्षा 6 से 12वीं तक अध्यापन कार्य कराने वाले मिडिल स्कूल, हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्यों, व्याख्याताओं, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों को स्ट्रीमयार्ड के माध्यम से दिए जा रहे उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता करने हेतु निर्देशित करने की कार्रवाई करें। उन्मुखीकरण कार्यक्रम हेतु ऑनलाइन लिंक संबंधी जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग पृथक से उपलब्ध कराई जाएगी। उक्त कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से संपादित करावें। आयुक्त जयश्री कियावत, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश। साथियों, ये जो लिंक है आपको हमारे डिस्कशन बॉक्स में ही प्राप्त हो जाएगी, जो कि महिला बाल विकास द्वारा स्ट्रीम यार्ड प्रशिक्षण के लिए यूट्यूब लिंक है जो उपलब्ध कराई जाएगी। लैंगिक शोषण की रोकथाम एवं पॉक्सो अधिनियम के संबंध में बहुत ही अति आवश्यक पत्र है ये। जय हिंद, जय भारत।